आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। लास्ट क्लास में हमने विंडोज़ के एलिमेंट्स के बारे में समझा था, फाइल्स एंड फोल्डर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने वहाँ पर कवर किया था। ठीक है, संडे को कोई भी क्लास नहीं थी तो सैटरडे की क्लास की बात हो रही है। एंड उसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ GUI बेस्ड रेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आज हमारी क्लास में हम कंप्लीट वर्ड को यहाँ पे कवर करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है, एलिमेंट्स के साथ साथ इन एलिमेंट्स को हम एकदम डिटेलिंग में एंड ब्रीफिंग में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एंड जो भी चैनल पे नए आए हैं उनको बता दूँ कि मेरा नाम है चैलशा एंड अभी जो बैच स्टार्ट किया गया है वो है आपका चंडीगढ़ PGT का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, वो इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी या फिर फर्स्ट जो क्लास हुई थी उसमें भी कमेंट में इसका प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको इन क्लासेस के साथ साथ कुछ कंप्यूटर की बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लासेस भी अवेलेबल करवाई गई है, इंग्लिश में भी एंड हिंदी में भी, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टार्ट यहाँ से GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से हुआ है, लेकिन जो कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं। अगर एग्ज़ाम में वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसीलिए वहाँ पे आपको वो क्लासेस भी मिली है। ठीक है, तो आप उनको वहाँ पे कवर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें आज की हमारी क्लास। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या अराइज होके आता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आएगा कि इन में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपको पता है। सेकेंड यहाँ पे आपका ओपन ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वैसे ही एक ओपन ऑफिस भी होता है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड है उसी तरह से ओपन ऑफिस में आपका राइटर है, ओपन ऑफिस राइटर, ये भी क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये दो आपको पता होने चाहिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन या सिस्टम, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एंड हमने फर्स्ट क्लास में इसको कवर भी किया था। ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर चाहे आप वर्ड की बात कर लो या फिर ओपन ऑफिस राइटर की बात कर लो, इनमें हम क्या करते हैं, तो इनमें आप एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दस्तावेज। क्या क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे आपने कोई लेटर बना दिया या आपको अपना रिज्यूमे लिखना है, बायोडेटा लिखना है, कोई बुक टाइप करनी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हम इसी के अंदर क्रिएट करते हैं। एक्सटेंशन की बात की जाए तो एक्सटेंशन का काम क्या होता है, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन होती है .docx, DOC का मतलब डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रोसेसर इज़ यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट क्रिएट वेब पेजेस, लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, इट हेल्प्स इन अरेंजिंग रिटन टेक्स्ट इन ए प्रॉपर फॉर्मेट एंड गिविंग इट ए सिस्टमेटिक लुक। ठीक है, वही बात है जो ऊपर हिंदी में लिखी गई है, नीचे यहाँ पे इंग्लिश में मैंशन है। तो इतना क्या है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट, भाई जिस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की बात हो रही है वर्ड के अंदर, वो डॉक्यूमेंट ही क्या होता है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दो। तो देखो, किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट एडिटर का मतलब यहाँ पे आपका वर्ड हो गया, राइटर हो गया, नोटपैड, वर्ड पैड, ये सारे क्या हैं आपके, टेक्स्ट एडिटर। और मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन सा टेक्स्ट एडिटर मिलता है विंडोज़ में, कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर इज कॉल्ड ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। व्हाट इज़ कर्सर,
कर्सर क्या होता है? वर्ड का यूज़ करने से पहले आपको कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है? कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, कर्सर क्या होता है? तो आपको पता है कि जब आप डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो, वर्ड को ओपन करते हो, तो वहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे वर्टिकल लाइन है, ये देखो ये वर्टिकल है एंड ये हॉरिजॉन्टल हो गई, तो एक वर्टिकल लाइन आपको ऐसे ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी, दिखाई देती है ना, वही चीज़ क्या है आपकी वहाँ पे कर्सर है। अब यहाँ पे ये ब्लिंक करती हुई लाइन क्या इंडिकेट करती है? तो जहाँ पे भी ये लाइन ये कर्सर होगा वहीं से आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है, ये लाइन ये कर्सर यही क्या करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है? अगर आप डॉक्यूमेंट एरिया से बाहर चले जाओगे तो आपका जो कर्सर है वो किस में बदल जाता है, एक एरो में बदल जाता है, आपने देखा होगा। फिर आपका माउस, जैसे कि अभी मेरा ये एक पेंसिल सा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये है क्या, ये एक कर्सर ही है, ठीक है? इतना हमें समझ में आया कि भाई कर्सर क्या होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स इन बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एलिमेंट्स की बात करेंगे, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको ओपन कैसे करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, जहाँ पे भी अगर आपका एप्लीकेशंस में है या डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप एमएस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड देन एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर आपको नया क्रिएट करना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपने पहले से कोई फाइल बनाई हुई है उसको ओपन करना चाहते हो तो आप किस पे क्लिक करोगे, ओपन पे जाएंगे एंड वहाँ से अपनी फाइल को चूज करेंगे और ओपन करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने नया डॉक्यूमेंट ओपन किया तो इस तरह की एक ब्लैंक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस विंडो को हम कम्प्लीटली डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे लास्ट में, उससे पहले हम मेन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, मीन्स कि उनके डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, फिर हम इस पूरी विंडो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सिर्फ टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, डेफिनेशंस की बात कर रही हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? तो क्विक एक्सेस टूल बार आपके जो रिबन है उसके ऊपर होता है, और ये आपको बहुत ही कॉमन सी, जो ज़्यादा मतलब बार बार में यूज़ होने वाली कमांड्स होती है ना, वो इस क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कौन सी कमांड्स होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कमांड्स होती है, तो आपकी सेव, अंडू एंड रीडू, ये तीन कमांड्स आपकी बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है। आप इनको चेंज भी कर सकते हो एंड चेंज करने को क्या कहा जाता है, कस्टमाइज करना, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा टेल मी फीचर इन एमएस वर्ड, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, तो ये क्या है? तो टेल मी फीचर क्या करता है, आपको जो रिबन में जितने भी आपको टैब्स है उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है? मान लीजिए आपको किसी कमांड के बारे में नहीं पता, तो आप इसमें अपनी उस कमांड के बारे में सर्च कर सकते हैं एंड ये आपको उसको यूज़ करने का तरीका भी बताएगा। फिर आता है थर्ड, यहाँ पे रिबन क्या होता है? तो रिबन क्या होता है, रिबन जो वर्ड में उपयोग होने वाले सभी कमांड्स को स्टोर करता है। आपकी वर्ड में या एक्सेल की भी अगर बात करें या पावर पॉइंट की बात करें, तो उन सभी में जो कमांड्स होती है वो सारी कमांड्स जहाँ पे स्टोर होती है उस जगह को क्या कहा जाता है, रिबन कहा जाता है, ठीक है? इतना हमें पता चला। फिर आती है एक टर्म कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप क्या होती है, तो हर टैब में एक जैसे कमांड्स को एक साथ रखा गया है जो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। देखो रिबन है, रिबन में क्या मिलेंगी आपको, टैब मिलेंगे, ठीक है? मान लीजिए आपको क्या मिल गया, एक एडिटिंग टैब, आपको एक फाइल टैब मिल गया, ठीक है? फिर इन फाइल टैब में क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे, और इन ग्रुप्स में क्या होंगी, कुछ कमांड्स होंगी, ठीक है? तो ये इस तरह से डिफाइन है, रिबन, रिबन में टैब, टैब में क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे, एंड ग्रुप्स में क्या होंगी, सिंगल सिंगल कमांड्स होंगी, ठीक है? इतना में समझ में आया। जैसे कि आपका यहाँ पे क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट कमांड्स हो गई, ये सारे क्या हो गए, आपके ग्रुप के नाम हो गए। फिर होता है एक टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ पे होगा, आपको आपकी जो वर्ड विंडो आपने ओपन करी है उसके ऊपर एकदम दिखाई देता है, मिडल में आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम दिखाई देगा, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 होता है।
फिर एक टर्म आती है रूलर। रूलर क्या होते हैं, ये सभी सेम है, एक्सेल की बात करें, वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, उन सभी में क्या है, ये जो मेन एलिमेंट्स है ना, ये सेम है, बस इनकी कमांड्स में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। रूलर क्या होते हैं, वर्ड में दो रूलर होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर, एक होता है वर्टिकल रूलर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज एंड वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। अब ये वर्टिकल रूलर क्या होता है, जो आपको नीचे दिखाई देता है, रूलर का मतलब आपको स्केल सा दिखाई देगा, ठीक है। इसका आपने देखा हो ध्यान से, ऐसे स्केल सा बना हुआ होता है, तो ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल होता है एंड एक वर्टिकल होता है। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है वो कहाँ पे दिखाई देगा, ठीक नीचे दिखाई देगा, और इसका यूज़ किस लिए होता है, मार्जिन और टैब स्टॉप को सेट करने के लिए, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे मार्जिन क्या होते हैं। फिर आता है आपका वर्टिकल रूलर। वर्टिकल रूलर वर्ड जो है आपकी विंडो के बाएं किनारे पर दिखाई देता है, इसमें जितने भी आपके पेज पर जो एलिमेंट्स होती है उनकी स्थिति को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आती है एक टर्म व्यू बॉटम। व्यू बॉटम जो है ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा एकदम आपके जो वर्ड की आपने विंडो ओपन करी है ना उसमें एकदम नीचे आपको दिखाई देगा स्टेटस बार के अंदर, ठीक है। स्टेटस बार के नीचे आसपास यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा व्यू बॉटम। इसमें तीन मोड आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। टोटल व्यू बॉटम टोटल कितने व्यू होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन व्यू बॉटम की बात हो रही है जो कि आपको दाहिने साइड निचले हिस्से में दिखाई देता है। ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्यू बॉटम कहाँ पे दिखाई देता है, तो आपको दाहिने साइड में निचले हिस्से में, ठीक है। इसमें कितने बटन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तीन बटन होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है रीड मोड। अब रीड मोड क्या होता है, रीड मोड का मतलब होता है कि ये आपके डॉक्यूमेंट को जो भी आपने क्रिएट किया है उसको उस रीड मोड में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि किताब का कोई बुक का कोई आप पेज रीड कर रहे हो उस मोड में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि वर्ड के किस मोड में आपका पेज किताब के एक पेज जैसे से दिखाई देता है, तो रीड मोड के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट आपका बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है, ठीक है। बाय आपने कोई भी व्यू सिलेक्ट नहीं किया, जैसे ही आप पेज ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट होता है एंड इसी व्यू में आप काम करते हैं, ठीक है। प्रिंट लेआउट मतलब कि आपका पेज कैसा प्रिंट होने पे कैसा दिखाई देगा, ये वो व्यू होता है। थर्ड आता है आपका वेब लेआउट। वेब लेआउट में क्या होगा कि आपका पेज इंटरनेट पे कैसे दिखाई देगा उस तरह से आपको कन्वर्ट करके ये दिखाता है, ठीक है। तीन मोड समझ में आए, रीड मोड मतलब कि बुक के पेज जैसे, प्रिंट लेआउट मतलब आप प्रिंट करते टाइम प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखाई देगा, वेब लेआउट इंटरनेट पे कैसा दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, जहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं टाइप करते हैं उसे डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार आपके पेज के एकदम नीचे दिखाई देता है एंड इसमें आपके पेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, जैसे कि टोटल पेज कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस बार शो करता है। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है, तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो आपका रिबन होता है उसमें एकदम नीचे एक छोटा सा तीर बना होता है, निचले दाहिने कोने में छोटा सा जो तीर होता है उसे क्या कहा जाता है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है। एंड इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसमें आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे एक टर्म आती है हाइडिंग रिबन इन बेसिक्स ऑफ MS वर्ड। हाइडिंग रिबन भी कह सकते हैं, शो एंड हाइड रिबन भी इसको पूछ लिया जाता है। अब जब भी आप अपने वर्ड को यूज़ करेंगे ध्यान रखना, ये जो एलिमेंट्स है ये बेसिक की बात हो रही है, तो ये आपके एक्सेल में भी सेम रहेंगे एंड आपके पावर पॉइंट में भी सेम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब आप वर्ड को यूज़ करोगे तो आपको कई बार ऐसा लगेगा, क्वेश्चन भी इसी टाइप से आता है कि आपको लग रहा है कि आप जो आप डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे हो तो आपको कम स्पेस मिल रहा है, कम स्क्रीन मिली है, ठीक है। आप ज़्यादा स्क्रीन लेना चाहते हो, स्पेस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हो काम करने के लिए, तब आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो तब आप ऑप्शन यूज़ करेंगे हाइडिंग रिबन का, ठीक है।
इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, जो स्पेस उस रिबन ने लिया हुआ है वो रिबन वाला स्पेस क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा एंड आपको वो स्पेस यूज करने को मिलेगा। ठीक है, तो हाइडिंग रिबन इसीलिए काम आता है। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे मिलेगा आपको ये ऑप्शन, तो आपको वर्ड विंडो में एकदम ऊपर वाले दाहिने कोने में जहाँ पे मिनिमाइज बटन होता है, ये बटन है, उसके साइड में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो तीन ऑप्शंस? फर्स्ट है आपका ऑटो हाइड रिबन। ऑटो हाइड रिबन में क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, फिर अगर आपको दोबारा रिबन देखना है तो आपको इसके ऊपर एक्सपेंड रिबन बटन पे क्लिक करना होगा, जो कि माउस कर्सर को ऊपर ले जाते ही दिखाई देगा। फिर आता है आपको शो टैब। इसमें क्या होता है कि आपको रिबन में से क्या दिखाई देंगे, केवल टैब ही दिखाई देंगे और टैब में जितने भी कमांड्स होती है वो सारी क्या हो जाएंगी, इनविजिबल हो जाएंगी। जब भी आप किसी टैब पे क्लिक करेंगे तब उसकी कमांड आपको दिखाई देंगी। शो टैब्स एंड कमांड्स, इसमें क्या होता है कि आपकी वर्ड विंडो में पूरा रिबन सभी कमांड के साथ दिखाई देता रहेगा। ठीक है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही ऑप्शन के साथ डॉक्यूमेंट ओपन होता है, जिसमें आपको जितनी भी टैब है, जितने भी कमांड्स है वो आपको दिखाई देते हैं। तो हाइडिंग रिबन में आपको तीन ऑप्शन मिले। फर्स्ट है आपका ऑटो हाइड रिबन, सेकंड है आपका शो टैब्स, थर्ड है आपका शो टैब्स एंड कमांड्स। ऑटो हाइड के अंदर क्या हो गया, आपका पूरा रिबन ही क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। शो टैब में आपको सिर्फ टैब टैब आपको दिखाई देंगी, उसके कमांड्स नहीं दिखाई देंगी। शो टैब्स एंड कमांड्स में आपको टैब्स भी दिखाई देती है और कमांड्स भी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या थे इसके बेसिक जो एलिमेंट्स है उनको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि जब आपकी वर्ड की विंडो ओपन होती है तो उनमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनको हम क्या करेंगे अभी डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। और ये कैसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों को पढ़ना जरूरी है, यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, अब इनका यूज़ किस किस में होता है। तो वर्ड का यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर टेक्स्टिंग करने में, या फिर लेटर टाइप करने में, एनवलप बनाने में, कोई बुक आपको लिखनी है तो उस चीज़ में। एक्सेल का यूज़ होता है अगर आपको टेबल के फॉर्म में अपना डेटा लिखना है। पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंटेशन बनाने में। तो इन सब में हम इनका यूज़ करते हैं। अब अगर बात की जाए इनकी एक्सटेंशन की, एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन को हम जो हमारी फाइल का नेम है, जिस भी नेम से आप उसको सेव कर रहे हो, उसके लास्ट में ऐड होती है। जैसे वर्ड की फाइल के लास्ट में आपको मिलता है .docx, एक्सेल की फाइल में मिलेगा .xlsx, पावर पॉइंट की फाइल के लास्ट में मिलता है .pptx। 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उन सब के लास्ट में आपको एक एक्स अलग से लगा हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं अपनी फाइल का नेम चेल्शा नाम से सेव करूँ और अगर मैंने अपनी फाइल को वर्ड में बनाया है तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसको .docx में सेव कर देगा। और इससे क्या पता चलेगा कि हमारी ये जो फाइल है ये किस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर ये इमेज हम किसी इमेज को सेव करते हैं तो वो .bmp, .jpeg, .mpeg, अगर म्यूजिक फाइल है तो .mp3, तो ये सब क्या है, एक्सटेंशन है, फाइल फॉर्मेट्स है। अगर वर्ड में टेम्पलेट की बात करें तो अगर आप वर्ड में टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है .docx। ये सब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है।
किस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आप ऑफिस में जाएं, फिर एमएस वर्ड पे क्लिक करें और एक न्यू पेज हम ओपन कर लेंगे। तो वर्ड पैड, नोट पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, वर्ड प्रोसेसर, ये क्या है, ये सब वर्ड प्रोसेसर के ही एग्जाम्पल है। इतना हमें समझ में आया। अब जब आप एक न्यू ब्लैंक पेज ओपन करोगे तो आपके सामने इस टाइप की एक स्क्रीन दिखाई देगी। अब इस स्क्रीन के बारे में हम जान लेते हैं कि इस स्क्रीन में कौन सा ऑप्शन क्या है एक्चुअली में, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए एक्चुअली में कि बेसिक है क्या वर्ड का। शॉर्टकट कीज हमने देख ली, अब उन शॉर्टकट कीज के बारे में कोई लाइन पूछ ली जाए तब हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर वाली लाइन होती है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपने की जो फाइल है, आप उसको जिस भी नाम से सेव करते हैं वो आपको दिखाई देता है। जैसे मैंने कंप्यूटर से सेव की हुई है, इसके लेफ्ट और राइट में कुछ बटन्स होते हैं। राइट बटन की अगर बात की जाए तो देखिए जो एरो का सिंबल है ये है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मतलब कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आप अपने रिबन है, जैसे फाइल, इंसर्ट, होम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये रिबन्स है। तो अगर आप इस एरो के ऊपर, इस डिस्प्ले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि शो हाइड रिबन, शो टैब्स, शो कमांड। सो इस टाइप के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे अभी हमें दिखाई दे रहा है, हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। माइनस का मतलब क्या है, मिनिमाइज। हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी टास्क बार में। ये जो बॉक्सेस है ये है मैक्सिमाइज, आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो फुल स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। एंड क्रॉस का मतलब है क्लोज। जो लेफ्ट साइड में बटन्स हैं उनको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपको तीन बटन दिखाई दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो आपको स्क्रीन सा दिखाई दे रहा है वो है सेव, कंट्रोल प्लस एस। सेकंड जो हमारी एरो है यहाँ पे रीडू, और जो मिडल में है वो क्या है, अंडू। इनको हम आइकन्स भी बोलते हैं। जो बैकवर्ड एरो है वो क्या हो गई, अंडू। अंडू का मतलब क्या है कि आपने कुछ काम किया है और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, वापस से पहली वाली स्टेट में आ सकते हैं, कंट्रोल जेड। उसके बाद जो रीडू है, रीडू का मतलब आप अपने टास्क को क्या करना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो। शॉर्टकट की क्या है इसके लिए, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। अंडू का मतलब है आपने जो काम किया है आप उसको नहीं चाहिए आपको वो काम अभी, तो आप उसको बैक कर सकते हो। रीडू का मतलब क्या है, आप अपने काम को रिपीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई दबा के आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्या ऑप्शंस कहलाते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। इतना हमें समझ में आया। अब देखिए रिबन, तो रिबन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, टोटल यहाँ पे 9 रिबन्स की हम बात करेंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। इन 9 व्यूज के, 9 रिबन्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं होम टैब से। तो देखिए होम टैब के बारे में बात करते हैं। जो छोटी सी एरो आपको दिखाई दे रही है जो हर एक ग्रुप में मिलती है उसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। और ये टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये एक हेल्प ऑप्शन है एक तरह से। इसके शॉर्टकट की हमने लास्ट डिस्कस करी थी। अब देखिए जो होम टैब है इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो होम टैब के अंदर ग्रुप आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि होम टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं, या फिर क्लिपबोर्ड किस ग्रुप में मिल, किस टैब में मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और एड इंस, ये सारे ऑप्शंस या ये सारे ग्रुप किस टैब में आते हैं, होम टैब में आते हैं। देखिए ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि जो स्टाइल ग्रुप है या जो पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ऑप्शन है वो कहाँ मिलता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग कहाँ पे मिलता है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब बात करेंगे सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप की। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर, और एक हम इसको कह सकते हैं स्पेशल पेस्ट, ये भी यहीं पे मिला दिखाई देगा आपको। स्पेशल पेस्ट भी कहाँ मिलता है, हमें क्लिपबोर्ड के अंदर ही मिलता है। देखिए जो पेस्ट होता है वो सिंपल क्या करता है, हमारे डेटा को पेस्ट कर देता है, और जो स्पेशल पेस्ट होता है वो क्या करेगा, हमें, हम जो डेटा क्लिपबोर्ड से पेस्ट करना चाह रहे हैं हमें उसमें और ज्यादा कंट्रोल देगा।
अब यहाँ पे देखो कट कंट्रोल एक्स है, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट क्या है कंट्रोल वी, एंड फॉर्मेट पेंटर ये क्या करेगा, ये हमारी फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा। फॉर्मेटिंग मतलब कि आपने कोई भी अपने पैराग्राफ को डेकोरेशंस दी है, जैसे कि आप उसमें कोई लैंग्वेज आपने अप्लाई करी है, उसको कोई कलर दिया है, कोई वर्ड आर्ट चूज करी है, तो और उसी सेम फॉर्मेटिंग को आप क्या करना चाहते हो, कॉपी। तो कंट्रोल शिफ्ट सी, और उसको पेस्ट करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो फॉन्ट ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप अपने पैराग्राफ, अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। अब ये फॉर्मेटिंग में देखिए, जब आप होम टैब में देखेंगे तो आपको ये जो ग्रुप दिखाई देता है इसको हम फॉन्ट ग्रुप बोलते हैं। इसके अंदर जो संस्कृत टेक्स्ट है ये है फॉन्ट लैंग्वेज या फॉन्ट शैली। उसके बाद 13 जो है इसको फॉन्ट साइज कहते हैं। ये जो ए अपर एरो एंड ए डाउन एरो, ये क्या है, हमारे अपर एरो से साइज इंक्रीज होगा टेक्स्ट का, एंड डाउन एरो से साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। AA ये चेंज केस, इसका मतलब कि आप सभी लेटर्स को कैपिटल में करना चाहते हो, या सभी को लोअर केस रखना चाहते हो, या सबका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करना चाहते हो, तो उस टाइप से आप क्या कर सकते हो, केस को चेंज कर सकते हैं। जो इरेजर का सिंबल है इसका मतलब है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये क्या करेगा, डेटा को डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्मेटिंग जो आपने अभी अप्लाई करी है उसको डिलीट करता है। फॉन्ट कलर देगा ये हमें, कोई भी फॉन्ट कलर आप चूज कर सकते हो इसमें से। जो एरो है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट कलर चूज हो जाएगा। उसके बाद है हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को अलग से थोड़ा सा शो करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद जो हमारी ए एरो और जो ए डाउन एरो ऊपर जो हमने देखी थी वो क्या है, साइज इंक्रीज और डिक्रीज करती है, और इनकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। इनसे क्या होता है, साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो ए दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा अलग सा, ये है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या आता है कि रिफ्लेक्शन, ग्लो, शेडो, ये सब ऑप्शंस क्या होते हैं कि आप अपने टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट्स देना चाहते हो। बी आई यू ये है फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक और अंडर लाइन। ए बी सी के बीच में देखो लाइन कट है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। एक्स टू को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और एक्स की पावर टू ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। तो हमें इन ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए। इसके अंदर जो मिनिमम फॉन्ट साइज है वो देखिए 8 है, और जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे 72 रहेगा, ठीक है। उसके अलावा भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में 8 और 72 है। यहाँ पे देखिए, जैसे स्ट्राइक थ्रू अगर यूज करना चाहते हो तो बीच में एक अंडरलाइन आ जाएगी, डबल स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो दो बार लाइन दिखाई देगी, अंडरलाइन नहीं, वो बीच में लाइन है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब कि अगर आप किसी के पावर में कुछ लिखना चाहते हो वो सुपर स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट का क्या मतलब हो, आप किसी के नीचे कुछ लिखना चाहते हो। स्मॉल कैप्स, ये देखिए अगर स्मॉल कैप्स का भी टेक्स्ट इफेक्ट में एक ऑप्शन होता है। ऑल कैप्स, शेडो, रिफ्लेक्शन, आउटलाइन, ग्लो, ये सब क्या है, ये सब टेक्स्ट इफेक्ट है। अगर आप अपनी विंडो को ओपन करेंगे, वर्ड ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हो कि और कौन कौन से टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट इफेक्ट है, कौन सा नहीं है। पैराग्राफ ग्रुप, अब अगर हम पैराग्राफ ग्रुप की बात करें तो देखिए पैराग्राफ ग्रुप में अगर आपको किसी पे बुलेट सप्लाई करनी है, नंबरिंग है, ये अगली है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट मतलब कि आप सब लिस्टिंग कर रहे हो, जैसे मैंने वन लिखा, फिर वन के नीचे एक लिस्ट बनाई ए की, फिर उसके नीचे एक और लिस्ट बना दी, तो ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। अगला ऑप्शन है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है कि आप अपने, आपने जो पैराग्राफ, जो टेक्स्ट लिखा है, जो सिलेक्ट किया है, आप उसको क्या कर रहे हो, थोड़ा सा आगे आगे सरका रहे हो, आगे आगे मतलब लेके जा रहे हो, जैसे टैब यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्टिंग, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में इनको यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है उसका नाम है शो हाइड, कंट्रोल स्टार इसकी शॉर्टकट की है, कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है।
उसके बाद अलाइनमेंट, टोटल हमारे पास चार अलाइनमेंट है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, मतलब कि अगर आपने कोई भी अलाइनमेंट चूज नहीं करी है तो आपका टेक्स्ट, आपका पैराग्राफ लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, टोटल हमारे पास चार अलाइनमेंट है। उसके बाद आती है पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने दो लाइनें लिखी हैं और आप उनके बीच में स्पेस देना चाहते हो, जैसे ये स्पेस है मेरा, ये 1.5 लाइन का स्पेस है, तो आप सिंगल लाइन का देना चाहते हो, 1.5 का, मल्टीपल लाइंस का स्पेस दे सकते हो। पैराग्राफ ग्रुप से हम टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें हम बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो देखिए, जिसमें डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब वो बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा, जो डार्क ब्लैक लाइन है केवल वही बॉर्डर हमें शो होगा। तो अगर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि टॉप बॉर्डर ना दिखाई दे, या फिर सिर्फ राइट वाला बॉर्डर दिखाई दे, लेफ्ट वाला बॉर्डर दिखाई दे, या कंप्लीट टेबल का बॉर्डर शो हो। नेक्स्ट है पैराग्राफ शेडिंग। इस ऑप्शन का मतलब क्या है पैराग्राफ शेडिंग? इसमें क्या होता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर, सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या दे सकते हो, पैराग्राफ शेडिंग को यूज कर सकते हो, जैसे इसमें वाइट कलर यूज हुआ है। एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड, रिप्लेस, गो टू और सिलेक्ट ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको कोई कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ, रिप्लेस करना चाहते हो कंट्रोल एच है। अगर कोई गो टू, किसी भी वर्ड के ऊपर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो गो टू कमांड यूज होती है। सिलेक्ट, आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो और अगर पूरी फाइल को एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए। फाइल टैब, फाइल टैब में देखिए न्यू आपको एक कंट्रोल एन नया पेज ओपन करके देगा, कंट्रोल ओ ओपन पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, सेव कंट्रोल एस, सेव एज, सेव एज में आप अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, प्रिंट कंट्रोल पी है, एक्सपोर्ट शेयर भी कर सकते हैं, और जो सेव एज है उसमें आप अपनी फाइल, जैसे वर्ड फाइल बनाई है उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओपन अगर हम किसी फाइल को करते हैं तो एक टाइम पे आपको दो विंडो ओपन दिखाई देगी। इंसर्ट टैब, तो देखिए इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस और ग्रुप होते हैं, तो वो देखिए पेजेस, टेबल्स, इल्यूस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक्स और कमेंट्स। ये सब क्या है, हमारे इंसर्ट टैब के अंदर आपको ग्रुप्स या ऑप्शंस दिखाई देंगे, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। अब इनके बारे में देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेज ग्रुप की। पेज ग्रुप जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, इसमें तीन ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज का क्या मतलब है कि आपने पूरी एक फाइल बना ली और आप उसका एक कवर पेज, स्टार्टिंग में जो आप अपना पेज बनाते हो वो बनाना चाहते हो, तो कवर पेज में आपको पहले से बने हुए क्या मिलेंगे, कुछ फॉर्मेट, कुछ स्टाइल मिलेगी, आप उनको यूज कर सकते हो। ब्लैंक पेज में एक नया पेज ओपन हो जाएगा, नया पेज ओपन होगा ना कि नई फाइल। पेज ब्रेक से क्या होगा कि आपका पेज दो पेजेस में डिवाइड हो जाएगा, जहां पे भी आपका कर्सर है उसी से क्या हो जाएगा, पेज डिवाइड हो जाएगा। टेबल ग्रुप, टेबल ग्रुप में देखिए आपके पास ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, आप यहां से भी एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हो अपनी रो कॉलम को सिलेक्ट करके। रो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, कॉलम वर्टिकल लाइंस है। आप इंसर्ट टेबल पे अगर क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ रो और कॉलम का नंबरिंग दे दीजिए, टेबल अपने आप ड्रॉ हो जाएगी। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपके पास एक पेंसिल होगी, आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, हम क्या कर सकते हैं, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट कीजिए और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्विक टेबल्स, क्विक टेबल्स में हमारे पास पहले से कुछ बनी हुई टेबल्स होती है, जैसे कि कैलेंडर्स वगैरह, आप उनको यूज़ करना चाहें तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप इन टेबल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो क्विक टेबल्स से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि जो पिक्चर्स है, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये ऑप्शन किस ग्रुप में, किस टैब में मिलते हैं, तो देखिए इंसर्ट टैब के इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप में मिलते हैं।
ये सब हम चीज़ें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर, हेडर जो पेज के ऊपर दिखाई देता है टॉप में, फुटर जो पेज के नीचे दिखाई देता है, और अगर पेज नंबर, ये जैसे ये हेडर है, क्या दिखाई दे रहा है आपको पेज के ऊपर टॉप पर, और पेज नंबर, अगर आप पेज नंबर भी डालना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट ग्रुप, जो टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, इससे क्या होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें जो चाहे वो लिख सकते हैं। क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, जैसे ये फाइव आपको दिखाई दे रहा है सबसे अलग से बड़ा सा, ये क्या है, ये ड्रॉप कैप है, मैंने फाइव को यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ड्रॉप कैप। सिग्नेचर लाइन डाल सकते हो, डेट एंड टाइम यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे वर्ड आर्ट में आपको अलग अलग से ऑप्शंस दिखाई देंगे, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ये टेक्स्ट बॉक्सेस है यहाँ पे। क्विक पार्ट्स में आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे हम यूज करना चाहें तो। सिग्नेचर लाइन है, कैलेंडर, डेट एंड टाइम में आप कोई भी डेट एंड टाइम का ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो। ये सब क्या है, हमारे टेक्स्ट ग्रुप में आते हैं। सिंबल्स, सिंबल्स भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सिंबल कहाँ पे मिलता है, तो सिंबल में दो ऑप्शंस मिलते हैं, पाई इक्वेशन और ओम सिंबल। ये सिंबल आपको डायरेक्टली कीबोर्ड पे नहीं मिलते, तो अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हो, जैसे इन इक्वेशंस की, इन सिंबल्स की। लिंक, अगर क्वेश्चन आता है कि हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट किया जाता है, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, तो इसमें लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ये सब क्या है, ये लिंक है। लिंक देखिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर आप किसी एक पेज पे किसी टेक्स्ट पे क्लिक करें और वो दूसरे टेक्स्ट को या दूसरी फाइल को ओपन कर दे तो वो कहलाता है हाइपर लिंक कहलाता है। देखिए हम इसमें एक हाइपर लिंक बना के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स को सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको लिंक पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे इसी को हाइपरलिंक बनाना है। नीचे मैं अपनी एक फाइल चूज करूंगी जिस जो मैं ओपन करवाना चाहती हूँ, तो मैंने एक फाइल चूज कर ली और उसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे अलग से अंडरलाइन दिखाई दे रही है, ये कह रहा है कंट्रोल प्लस में क्लिक, मतलब अगर आपको ये लिंक यूज करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक हुआ तो मैंने जो फाइल इसमें अटैच करी थी वो फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस भी क्रिएट हो जाएंगे। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट होते हैं कि हमने जो डेटा लिखा है, हमने जो फाइल बनाई है, हम उसको थोड़ी सी रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक अलग से बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आप किसी भी लाइन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हो। मीडिया, आप ऑनलाइन वीडियोस को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा टैब इंसर्ट। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन टैब की। तो देखिए डिज़ाइन टैब में आपको थीम्स का एक ऑप्शन मिलता है, थीम्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, पेज बैकग्राउंड। तो जो थीम्स होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, ये सब क्या है कि आप इनमें से किसी भी एक को चूज कर लीजिए और फिर अपने अगर डॉक्यूमेंट को लिखेंगे तो आपके टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, इन सब का क्या होगा, पहले से एक साइज फिक्स हो जाता है इनके अंदर बाय डिफॉल्ट, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। कलर यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट साइज, पैराग्राफ स्पेसिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन है, इफेक्ट, और अगर आप चाहो तो उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट, मतलब कि जब नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करो तो आपको यही वाली फॉर्मेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। पेज बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। पेज बैकग्राउंड में तीन ऑप्शन है, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो यहाँ पे देखिए वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क होता है जो आपके जो टेक्स्ट पेज है, डॉक्यूमेंट है, उसके जो बैकग्राउंड में आपको टेक्स्ट दिखाई दे वो क्या कहलाता है, वाटरमार्क। कैसे यूज कर सकते हैं हम वाटरमार्क को, तो देखिए यहाँ पे मैंने वाटरमार्क पे क्लिक किया, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो या फिर खुद का भी बना सकते हो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके। तो इस तरह से आपको आपका दिखाई देगा वाटरमार्क। पेज कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी, पेज बॉर्डर आप कोई भी, इनमें से कोई भी पेज बॉर्डर आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया 3D पे और आपको साइड में दिखाई दे रहा है ये मेरा एक पेज बॉर्डर आ गया। तो पेज बैकग्राउंड में ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं आपको, आप खुद यूज करके देखिएगा कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लेआउट टैब की। तो यहाँ पे देखिए लेआउट टैब के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको जो पहला ही ग्रुप है वो है पेज सेटअप, जो क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, पैराग्राफ, अरेंज, ये तीन इसके अंदर है। पेज सेटअप की हम बात कर लेते हैं। तो पेज सेटअप के अंदर जो ऑप्शंस है वो है मार्जिन, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये,
इसमें से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मार्जिन है वो कहाँ मिलता है, ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। साइज, कोलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइफनेशन, ये सब क्या है हमारे पेज सेटअप में। तो देखिए, ओरिएंटेशन टू टाइप्स की होती है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप में आपको लंबाई ज़्यादा मिलेगी, चौड़ाई कम मिलती है, और पोर्ट्रेट के अंदर, सॉरी, लैंडस्केप के अंदर हाँ लेंथ ज़्यादा है और आपकी विड्थ कम है, और पोर्ट्रेट के अंदर आपकी जो लेंथ है वो कम है और विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर बात कर लिया जाए हमारी कहाँ जो पेज सेटअप में हम बात कर रहे हैं, उस पेज सेटअप में हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करी ओरिएंटेशन की। और अगर मार्जिन की अगर हम बात कर लें, तो मार्जिन होता है कि जो आपका पेज है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये चारों जगह जितना स्पेस आपका छोड़ना होता है उसको मार्जिन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 इंच है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्जिन मैंने छोड़ा हुआ है। आप इस मार्जिन को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए साइज की, तो यहाँ पे देखिए कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज A4 है। ये जो मेरा पेज ओपन है, ये A4 साइज का है। आप इनमें से कोई भी चेंज कर सकते हो, लेटर, A3, इलीगल, इस टाइप के। कॉलम्स 1, 2, 3, आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी टाइप में, जैसे यहाँ पे मैंने 3 कॉलम में अपने पेज को डिवाइड कर दिया, 2 कॉलम्स में भी कर सकते हो। क्वेश्चन आ जाता है कि अगर न्यूज़पेपर की तरह लिखना है तो क्या चाहिए, तो आपको कॉलम्स यूज़ करने पड़ेंगे। ब्रेक्स, ब्रेक क्या करेगा, आपके पेज को ब्रेक कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद आता है, जैसे पेज कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेती हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने ब्रेक्स को यूज़ किया। आप पेज ब्रेक करना चाहते हो, कॉलम को, टेक्स्ट रैपिंग, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद आती है लाइन नंबर्स, मतलब कि आपने जितनी भी लाइनें लिखी है उन सब के आगे आप कोई ना कोई लाइन यूज़ करना चाहते हो। 1, 2, 3 सीक्वेंस, तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 की सीक्वेंस स्टार्ट हो गई। हाइफनेशन क्या होता है, आप कई बार लिखते होंगे ना कि आपने एक वर्ड लिखा, स्पेलिंग पूरी नहीं आई और आधी स्पेलिंग नीचे वाली लाइन में चली गई, तो हम एक डैश लगा देते हैं। तो हाइफनेशन वही है कि आपकी क्या लग गई यहाँ पे, डैश। देखिए एफ ओ के आगे क्या लगी हुई है, डैश लग गई है। हम इनका साइज चेंज कर सकते हैं, होम ग्रुप में जाके आप यहाँ से 11 है इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। 72 इसका लास्ट है, इस जो आपको डायलॉग बॉक्स में दिखाई दे रहा है इसमें 72 लास्ट है। इतना हमें पता चला। अब यहाँ पे देखिए आगे जो हमारा लेआउट ग्रुप है, हाइफनेशन हमें पता चल गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडेंट और स्पेसिंग की। तो इंडेंट का मतलब होता है कि आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इंडेंट को इंक्रीज करूँगी तो जो मेरा पैराग्राफ है, जो मेरा पैराग्राफ है इंडेंट का, वो क्या होगा, आगे जाता जाएगा। जैसे हम टैब भी यूज़ करते हैं, तो टैब से क्या होता है, स्पेस आगे जाता, स्पेस बढ़ता है, हमारा टेक्स्ट आगे चला जाता है, पीछे क्या हो जाता है, ब्लैंक स्पेस आता है। तो उसी तरह यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने स्पेस क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज कर रही हूँ मैं यहाँ से 0.3 से, तो मेरा टेक्स्ट पैराग्राफ आगे जा रहा है। अगर मैं डिक्रीज करूँगी तो पीछे आएगा। स्पेसिंग क्या है, किन्हीं भी दो लाइन के बीच में का स्पेस। तो यहाँ पे ये क्या है, दो लाइनें हैं, देखिए स्पेस को मैं अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, बढ़ाऊँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, मेरी स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। होम टैब के अंदर भी आपको इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई दिया था। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका जो अरेंज ग्रुप है। तो अरेंज ग्रुप कब काम करेगा, जब आप अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर कोई इमेज या कोई ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करोगे। पिक्चर, शेप्स, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पिक्चर पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये सारे ऑप्शंस एक्टिव हो गए हैं, रैप टेक्स्ट। उसके बाद आप अपनी पिक्चर को एकदम फ्रंट में देखना चाहते हो, लेफ्ट में देखना चाहते हो, बिहाइंड द टेक्स्ट देखना चाहते हो, कहाँ उसकी पोजीशन रखना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस क्या होंगे, आपको मिल जाएंगे अरेंज के अंदर, जब आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तब। तो यहाँ पे मैं सभी ऑप्शंस नहीं कर रही हूँ। अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो देखिए रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री, लेफ्ट, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। तो इतना हमें समझ में आया, आप खुद भी अब ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, रोटेट वगैरह का करना या फिर रैप टेक्स्ट, पोजीशंस चेंज करना, अलाइन करना। तो ये सब आपके कब काम करेंगे, जब आप कोई इमेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं रेफरेंस टैब की। तो यहाँ पे देखिए जो रेफरेंस टैब है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स, रिसर्च, साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज।
अब ये फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो फुट नोट और एंड नोट दोनों ही नीचे लिखे जाते हैं। फुट नोट पेज के निचले भाग में दिखाई देता है, जबकि एंड नोट डॉक्यूमेंट या सेक्शन के अंत में दिखाई देता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। मेलिंग टैब की अगर बात की जाए तो मेलिंग ग्रुप के अंदर आप कोई भी एनवलप क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप लेटर भेजते हो किसी को तो एक एनवलप बनाते हो ना, वो क्रिएट कर सकते हैं, लेबल्स बना सकते हैं हम। और मेल मर्ज जो इसका मेन ऑप्शन है, मेन फीचर है मेल मर्ज, वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं मेलिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज मतलब कि अगर आप किसी एक डॉक्यूमेंट को, किसी एक इनविटेशन कार्ड को, लेटर को बहुत सारे लोगों के पास एक साथ भेजना चाहते हो, जैसे आप ईमेल्स में करते हो, तो वही ऑप्शन आपको वर्ड देता है मेल मर्ज के नाम से। इसमें स्टेप्स कितने होते हैं, टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है ये भी कौन कौन से होते हैं। पहले, सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, फिर जिनको भेजना है उनकी लिस्ट बनाओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट को डॉक्यूमेंट में जोड़ेंगे, इंसर्ट, मर्ज, फिल्ड एंड फिनिश एंड मर्ज। तो टोटल 5 स्टेप होते हैं मेल मर्ज के अंदर। रिव्यू टैब, तो रिव्यू टैब के जो ग्रुप्स है वो है प्रूफिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रूफिंग, इसमें एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, इंक। कंपेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंक देखिए, आपको दिखाई दे रहा है मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इंक, यहाँ पे कुछ डॉट डॉट से भी लिखी हुई है, तो ये मैंने दोनों इंक फीचर को यूज़ किया है यहाँ पे। जैसे ही मैं इंक फीचर को ऑन करूँगी, क्लिक करूँगी, तो वहाँ पे मैं अपना ब्रश चूज़ कर सकती हूँ, अपनी पेंसिल चूज़ कर सकती हूँ, और उससे मैं कोई भी यहाँ पे ड्राइंग कुछ भी लिख सकते हैं हम इंक से। प्रूफिंग ग्रुप, प्रूफिंग ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेजर्स, वर्ड काउंट, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का मतलब क्या है कि अगर आप ने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो कई बार आपने देखा होगा नीचे ब्लू लाइन, रेड लाइन आ जाती है, तो उनको अगर आपको करेक्ट करना है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज़ कर सकते हैं। F7 इसकी शॉर्टकट की है। थेजर्स क्या होते हैं, जैसे आपने सिनोनियम्स एंटोनियम्स का नाम सुना होगा, वही चीज़ थेजर्स यहाँ पे है। वर्ड काउंट मतलब कि अगर मैं अपने पेज के अंदर कितने वर्ड्स है वो काउंट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे वर्ड काउंट को हम ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती है, अपनी स्पेलिंग ठीक हो जाती है, तो उसको हम ऑटो करेक्ट बोलते हैं। इतना हमें समझ में आया प्रूफिंग ग्रुप के अंदर मिलता है। कंपेयर ग्रुप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी डॉक्यूमेंट के हमें 2 वर्जन को कंपेयर करना है, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो देखिए ये कंपेयर ग्रुप में मिलता है हमें। उसके बाद देखिए कंबाइन, कंपेयर ग्रुप में हम किसी भी डॉक्यूमेंट के 2 वर्जन को कंपेयर कर सकते हैं। कंबाइन का मतलब क्या हुआ, हम मल्टीपल पेजेस को कंबाइन कर सकते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं ट्रैकिंग ग्रुप की, तो यहाँ पे कंपेयर ग्रुप हो गया है, उसके बाद ट्रैकिंग ग्रुप। ट्रैकिंग ग्रुप यूज़ होता है कि आपने कोई फाइल बना ली, अब आप देखना चाहते हो कि कोई उसमें क्या चेंज कर रहा है, आप उन चेंजेस को ट्रैक करना चाहते हो, उन पे क्या कहते हैं निगरानी रखना चाहते हो, तो ट्रैकिंग यूज़ होती है। अगर मैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को ऑन कर दूँ, यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को मैंने कर दिया क्लिक, अब मेरा ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज किया, तो देखिए साइड में एक रेड लाइन आ गई, इससे मुझे पता चलेगा कि इस लाइन के अंदर कुछ एडिटिंग हुई है। कुछ डिलीट करेंगे तो भी रेड लाइन आ जाएगी, तो इससे आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो कि आप किसी दूसरे पर्सन ने कोई क्या चेंज किया है। फिर यहाँ पे देखो एक्सेप्ट के अंदर आप उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। ये क्या होता है, हमारा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन होता है। इतना हमें समझ में आया। उसके बाद आती है लैंग्वेज, तो यहाँ पे देखो जो लैंग्वेज है, आप अपने टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, पर उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होना चाहिए जो कि आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। तो ट्रांसलेट और लैंग्वेज 2 ऑप्शंस आपको लैंग्वेज ग्रुप के अंदर मिलेंगे। इसमें हम अपने कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है या पूरा डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। व्यू टैब के अंदर जो ग्रुप्स है वो है व्यूज़, पेज मूवमेंट आप वर्टिकली भी कर सकते हो और साइड टू साइड भी, 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास।
तो व्यू ग्रुप भी काफी इंपॉर्टेंट है, जूम, शो, विंडो, मैक्रोज, शेयर, पॉइंट, ये सारे क्या है इसके अंदर ग्रुप्स है। अब व्यूज देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल वर्ड के अंदर कितने व्यूज होते हैं, तो टोटल हमारे पास व्यूज होते हैं 5। आपको कोई 4 ऑप्शंस में मिलेंगे और क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा व्यू है कौन सा नहीं है, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, ये टोटल 5 हमारे पास व्यू मोड होते हैं। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, प्रिंट लेआउट। ये भी कई बार पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है, प्रिंट लेआउट होता है। टोटल 5 मोड है हमारे पास। शो ग्रुप, शो ग्रुप में आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन। क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि जो रूलर है वो कहाँ से एक्टिव हो सकता है, तो देखिए रूलर शो ग्रुप से एक्टिव हो सकता है और शो ग्रुप कहाँ है, व्यू टैब के अंदर है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। रूलर क्या होता है, जो आपको स्क्रीन पे साइड में स्केल्स दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, रूलर होते हैं। और ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस होती है हमारे पेज में कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, व्यू के अंदर मैंने शो ग्रुप के अंदर रूल ग्रिड लाइंस को चूज किया, तो ये सब क्या हो गई, मेरी ग्रिड लाइंस है जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। अगर आप इनको रखेंगे तो प्रिंट भी होके आएंगी। ये रूलर क्या है, साइड में जो आपको स्केल था वो रूलर हम यहाँ से सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन पेन आपको साइड में दिखाई दे रहा है, ये सब कहाँ से हम चूज करेंगे, ये सब हम शो ग्रुप से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट आता है जूम ग्रुप। जूम के अंदर आप अपने पेज का साइज जूम कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है वो 100% होता है और उसको मैक्सिमम 500% तक आप कर सकते हो। वन पेज, मल्टीपल पेज और पेज विड्थ, ये 3 ऑप्शंस भी हमें इसमें दिखाई देते हैं। मैक्रोज ग्रुप, मैक्रो क्या होती है, तो मैक्रो देखिए कई बार हमें एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो कर यूज कर सकते हैं। मैक्रो के अंदर आप अपना रिकॉर्ड कीजिए अपने काम को और फिर उस मैक्रो को रन कर दीजिए, तो वही काम क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या है, मैक्रो, जो एक ही काम को बार बार करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है विंडोज ग्रुप। तो विंडोज ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, न्यू विंडो, एक नई विंडो ओपन होके देगी, अरेंज ऑल, जितनी भी विंडोज आपके सामने दिखाई दे रही है सबको अरेंज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, स्विच विंडोज, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनियस स्क्रोलिंग का मतलब है कि 2 विंडोज, 3 विंडोज ओपन है और साथ साथ मूव करेंगी, रीसेट विंडो पोजिशन, ये तो ये सारे हमें विंडोज के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पे यूज करें हम स्विच विंडोज के अंदर, न्यू विंडो अगर मैंने करी तो नया एक विंडो ओपन होगी मेरे सामने। उसके बाद नेक्स्ट है अरेंज ऑल, तो अरेंज ऑल में जितनी भी विंडोज ओपन है वो सारी हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी। फिर मैंने यूज किया है स्प्लिट, स्प्लिट के अंदर आपकी जो एक ही पेज है, एक फाइल है, वो 2 विंडोज में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। स्विच विंडोज, स्विच से आप इनके बीच में स्विच कर सकते हो। इनको मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ। उसके बाद चलते हैं रूलर, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार के ऊपर। तो जो रूलर है जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में स्केल सा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो रूलर होता है। इससे आप अपने पैराग्राफ की पोजिशन को रख सकते हो कि मेरा मार्जिन यहाँ पे कितना छूटना चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे यूज होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। लास्ट में जो दिखाई दे रहा है वो है स्टेटस बार, जिसमें हमें ये पता चलेगा टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, कौन कौन से। यहाँ पे 3 मोड यहाँ पे दिखाई देते हैं, लेआउट और जूमिंग ऑप्शन भी हमें स्टेटस बार के राइट कॉर्नर में एकदम दिखाई देगा। जो ये बीच का एरिया है इसको डॉक्यूमेंट एरिया बोलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं व्यू बटन्स की। तो टोटल हमने 5 व्यू देखे थे, जिनमें से 3 बटन यहाँ पे दिखाई देते हैं हमें। बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट, ये 3 मोड हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद आता है जूम कंट्रोल। तो जूमिंग में आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 100% है, मैक्सिमम 500 कर सकते हैं हम। ये थी आज की हमारी क्लास।